हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मेडिकल विद नर्सिंग ऑफिसर। एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द ब्रो प्रेजेंटेशन, दैट इज माल प्रेजेंटेशन इन द ऑब्स्टेट्रिक्स। एंड वी विल डिस्कस इट्स डेफिनेशन, कॉजेस एंड डायग्नोसिस। एंड इससे पहले मैंने डिस्कस किया है फेस प्रेजेंटेशन को, एंड देन ब्रीच प्रेजेंटेशन हम डिस्कस कर चुके हैं, देन हम ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर डिस्कस कर चुके हैं, एंड नॉर्मल पोजिशन ऑक्सीपिटो एंटीरियर हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने उसको नहीं पढ़ा है तो जाकर के वीडियो को पढ़ लेना, देख लेना, देन आपको ये ईजिली समझ आएंगे। सबसे पहले आपको नॉर्मल वाला देखना बहुत ज़रूरी है, तो दैट इज़ एल ओ ए, जो कि अपलोडेड है चैनल पे, आप उसको जा करके देख सकते हो। और साथ ही आपको क्या करना है कि अगर लेक्चर समझ आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। सो स्टार्ट करते हैं। सो वॉट इज़ ब्रोक प्रेजेंटेशन? सो इज़ द रेयरेस्ट वराइटी ऑफ सिफेलिक प्रेजेंटेशन वेयर द प्रेजेंटिंग पार्ट ब्रोक, राइट। जो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है वो ब्रो होता है, एंड जो एटीट्यूड होता है हेड का इज शॉर्ट डिग्री ऑफ एक्सटेंशन, मतलब कि पूरा एक्सटेंड नहीं होता है, थोड़ा सा एक्सटेंड होता है, ना ही वो फ्लेक्स्ड होगा और ना ही एक्सटेंड होगा, बट स्लाइटली एक्सटेंशन की कैटेगरी में, एक्सटेंड की कैटेगरी में वो आएगा। देन नेक्स्ट जो डिनोमिनेटर होता है वो क्या होता है, फोर हेड, जो फीचर्स का फोर हेड होता है वो इसमें डिनोमिनेटर आता है, लाइक इस तरीके से। ये डायग्राम देखो, इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको, दैट इज द डायग्राम ऑफ द ब्रो प्रेजेंटेशन। सो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा क्या, कि जो फीचर्स का हेड है वो स्लाइटली एक्सटेंडेड है, राइट। फीचर्स का हेड क्या है, स्लाइटली एक्सटेंडेड है, नॉर्मल में वो बिल्कुल फ्लेक्स्ड होता है। अगर आपने नॉर्मल नहीं देखा है तो एक बार नॉर्मल का जाकर डायग्राम देखना, उसमें क्या होता है, जो एटीट्यूड होता है वो फुल फ्लेक्शन का होता है। फ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि जो बॉडी पार्ट का रिलेशनशिप होता है एक दूसरे से बिल्कुल अटैच्ड होता है, राइट। एटीट्यूड इसमें फ्लेक्स होगा, सारे बॉडी पार्ट्स एक दूसरे से अटैच्ड, मतलब चिपके हुए होंगे, राइट। हाथ और पैर तो इसमें फ्लेक्स्ड है, लेकिन जो नेक है, जो हेड एरिया, वो एक्सटेंडेड है, राइट। तो ये होता है एक्सटेंशन का मतलब। इसमें ये पार्शियली एक्सटेंडेड है, बट अगर फेस प्रेजेंटेशन का वीडियो आप देखोगे तो उसमें आपको दिखाई देगा कि वहाँ पे कितना ज़्यादा एक्सटेंशन होता है। तो अब ब्रो प्रेजेंटेशन में कौन सा जो डायमीटर इंगेज होता है, दैट इज योर मेंटो वर्टिकल डायमीटर, दैट इज 14 सेंटीमीटर, राइट। मेंटो वर्टिकल डायमीटर का मतलब है कि यहाँ मेंटम होता है, तो मेंटम से लेके वर्टिकल का हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द स्कल जो है वहाँ तक का डायमीटर है वो कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो वो यहाँ पे इंगेज होता है, दैट इज द हाईएस्ट डायमीटर, सबसे ज़्यादा डायमीटर यही होता है। तो ये जो डायमीटर मैंने बनाया ना, ये कितना है, 14 सेंटीमीटर, ये इसमें एंगेज होगा, जो कि सबसे बड़ा डायमीटर है। तो ब्रो प्रेजेंटेशन में कॉम्प्लिकेशन आएंगे डिलीवरी के टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे जो डायमीटर एंगेज हुआ है वो थोड़ा सा बड़ा है, तो वो पेल्विस जो कैविटी है उससे निकलने में थोड़ा सा उसको सफ़र करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसका डायग्नोसिस आप कैसे करोगे। तो सबसे पहले आप करोगे इंस्पेक्शन। तो इंस्पेक्शन के अंदर क्या करते हैं, हम जनरली हम उसका जो एब्डोमिनल एरिया है उसको देखेंगे, उसको एग्जामिन करेंगे। वहाँ पर हमें क्या दिखाई देगा, वहाँ पर हमें दिखाई देगा लीनिया नेग्रा। सो लीनिया नेग्रा इज अ साइन ऑफ द प्रेगनेंसी, जो कि एब्डोमिनल एरिया पे होता है। वो एक ऐसे डार्क लाइन होती है, जो कि स्टर्नम से लेके पूरा सिम्फिसिस प्यूबिस तक वो लाइन जाती है और स्ट्रेट एक डार्क लाइन होती है, राइट। देन हम एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के अंदर हम करते हैं पालपेशन। सो पालपेशन करेंगे, देन पालपेशन के अंदर हम सारे ग्रिप्स जो है हमारे, वो ग्रिप्स को चेक करेंगे, लाइक लेटरल ग्रिप, फंडल ग्रिप। तो उसमें क्या मिलेगा हमें, है ना। तो अगर आप फंडल ग्रिप देखोगे, तो फंडल ग्रिप में तो नॉर्मल आपको मिलेगा कि यहाँ पे सॉफ्ट पार्ट मिलेगा, एंड यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे बैक मिलेगा कर्व, राइट। यहाँ पे ये फंडल ग्रिप, फंडस पे ये वाला एरिया आपको पता चलेगा, एंड छोटे छोटे ये नोब्स भी फील होंगे। देन आप अगर आप लेटरल ग्रिप में देखो, तो लेटरल ग्रिप में हम क्या करते हैं, एक हाथ को हम अपना यहाँ पर स्टेडी रखते हैं और दूसरे हाथ से फील करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप सपोज करो आपने ये वाला हाथ साइड में रखा है और इससे फील करोगे, तो क्या फील होगा आपको, कर्व लाइक स्ट्रक्चर एक आपको फील होगा, एंड यहाँ पर एक आपको ऐसे एक नोच फील होगी, राइट। क्योंकि अगर आप अगर नॉर्मल में देखते हैं हम, तो नॉर्मल में क्या फील होता, नॉर्मल में अगर हम फील करते हैं तो हमें पूरा ये इस तरीके से कर्व फील होता है, क्योंकि हेड जो था उसमें फ्लेक्शन में रहता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हेड एक्सटेंशन में है तो इस तरीके से है ना, तो ये आपको फील होगा एस टाइप नोच यहाँ पे एक फील होगी, ठीक है। तो ये हो गया। देन आप जब पेल्विक ग्रिप चेक करेंगे तो उसमें क्या होगा कि हेड एंगेज है या नहीं वो पता करेंगे, एंड इसके अंदर सबसे ज़्यादा हमें डायमीटर एक तो पता चल रहा है कि हेड एंगेज नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर क्या होता है कि एब्डोमिनल एग्जामिनेशन को यहाँ पे मैंने ऐसे बता दिया आपको ऊपर ऊपर से, लेकिन आपको ये जानना है तो आप फेस प्रेजेंटेशन वाला वीडियो देखो। जो जो चीज़ें हमें फेस प्रेजेंटेशन में पता चलती है, वही चीज़ें हमें एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के टाइम पे इसमें
ब्रो प्रेजेंटेशन में भी पता चलती है। तो फेस प्रेजेंटेशन का वीडियो देखना आपके लिए बहुत जरूरी है, इसके लिए समझना है तो इसको आई बटन में यहाँ पे लिंक आएगा, मैं यहाँ पे फेस प्रेजेंटेशन का आपको लिंक भी दे दूंगी, तो आप यहाँ से जा करके देख सकते हो या फिर आप प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से देख लेना। नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि डायग्नोसिस के अंदर हम क्या करते हैं और वजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं, राइट। तो जब वजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे तो क्या होगा कि एक तो सुप्रा ऑर्बिटल रिजेस फील होंगे और एंटीरियर फोंटानेल आपको फील होगा। अगर एंटीरियर फोंटानेल मदर की लेफ्ट साइड में है, ठीक है, तो क्या होगा विद सूचर इन ट्रांसवर्स पेल्विक डायमीटर, इट इज लेफ्ट फ्रंटोरम ट्रांसवर्स पोजीशन। तो वो कौन सी पोजीशन होगी, लेफ्ट फ्रंटोरम ट्रांसवर्स पोजीशन वो होगी। देन अगर लेट लेबर में क्या होता है कि जो कैपिट का फॉर्मेशन हो सकता है, कैपिट फॉर्मेशन क्या होता है ये भी मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है वीडियोस में, तो आप वहाँ जा करके देखना कैपिट का फॉर्मेशन क्या होता है, राइट। तो ये हो गया एक तो वजाइनल एग्जामिनेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्रो प्रेजेंटेशन। बहुत छोटा सा लेक्चर था, बट ये छोटा इसलिए था क्योंकि इसमें ज़्यादा चीज़ें डिस्कस हमने नहीं करी। क्यों नहीं करी, क्योंकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको ना सीरियल वाइज चलना पड़ेगा। सीरियल वाइज चलोगे तो आपको इजीली समझ आएगा, तो इसीलिए आपको मैं बोलूँ कि पहले वाले वीडियोस भी देखो, उनको पढ़ो और उसके बाद आप ब्रो प्रेजेंटेशन का देखना, आपको इजीली समझ आ जाएगा। ऐसा कुछ इसमें बड़ी बात नहीं है यार। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।